के भादसों के सरकारी स्कूल सहित हलके के कई गांवों में पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पूरे हरियाणा में 3 से 16 अगस्त तक पेड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी देते हुए विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि पूरे हरियाणा में 3 से 16 अगस्त तक पेड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भादसों के सरकारी स्कूल सहित हलके के कई गांवों में पौधारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि आज के समय में पेड़ों की बहुत ही जरूरत है। हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है और केवल पेड़ पौधे लगाने से ही पर्यावरण को शुद्ध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुल 30% एरिया में पेड़ होने जरूरी हैं, लेकिन मौजूदा समय में केवल 3% भूमि पर ही पेड़ हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष कम से कम 20% पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि सभी साथियों के सहयोग से हम यह लक्ष्य अवश्य पूरा कर सकेंगे। केंद्र ने नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसको हरियाणा में सबसे पहले लागू किया जाएगा। इस शिक्षा नीति से अच्छा माहौल होगा और जो पिछले कई सालों से पढ़ाया जा रहा है और आज के माहौल में जिसकी जरूरत नहीं है, उसे बदलकर मौजूदा समय की जरूरत के अनुसार ही इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। इससे बच्चे संस्कारी बनेंगे। उन्होंने कहा कि आज बच्चे पश्चिमी सभ्यता में रंगे हुए हैं और अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। उसमें यह नई शिक्षा नीति कारगर साबित होगी। बीजेपी पार्टी की तरफ से 3 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू किया गया। ये पेड़ पौधे जो है सारे हरियाणा में लगेंगे। हमारे सभी हरियाणा कार्यकर्ता, जैसे आप देख रहे हैं उस कड़ी में जो है अपना मंडल इंद्री के जो है पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू किया गया और ये स्कूल से किया गया। बासों का स्कूल आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, बड़ा सुंदर स्कूल नज़र आ रहा है। सभी टीचर साहबान यहाँ बहुत मेहनत से काम कराते हैं, इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जैसे अभी पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जंगलों की बहुत जरूरत है, पेड़ों की बहुत जरूरत है, परंतु हरियाणा में जो है जो रिक्वायरमेंट है पेड़ कितने होने चाहिए, 30% ज़मीन पे पेड़ पौधे होने चाहिए, परंतु हरियाणा में अभी तक 3% ज़मीन पर पेड़ पौधे हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया है कि हरियाणा में 3% से बढ़ा करके जो 3% का रेशो है इसको 20% तक ले जाना है। आने वाले कुछ ही सालों में भी बहुत जल्दी ही जो है 20% भूमि पर ये पेड़ पौधे लगाने का काम किया जाएंगे। ये पेड़ पौधे हमें जो है ज़्यादातर स्कूलों में, सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, आंगनवाड़ी है, इसके तरीके जो हमारी पंचायत की ज़मीनें हैं, जहाँ जहाँ पंचायतें अगर लिख के देंगी तो ज़्यादा ज़मीन जहाँ पर है तो उसको पेड़ पौधे लगाने का काम किएंगे। उनमें पेड़ पौधों में भी फ्रूट वाले पौधों को प्रेफरेंस दी जाएगी। 5 साल तक उन पौधों को जो है सरकार पालने काम करेगी, उसके बाद 5 साल के बाद जो प्रवस्थ पौधे हो जाएंगे फल फ्रूट वाले तो पंचायतों को दे दी जाएंगे, ताकि पंचायतें उसके बाद उनकी आमदनी बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, जो पैसा है गांव के विकास में लगाएं। गवर्नमेंट की ऐसा ही ये डिपेंड करता है, जहाँ जहाँ पर सरकारी ज़मीन होगी या पंचायत की ज़मीन होगी, पंचायतें लिख के देंगे अपने आप, ज़बरदस्ती नहीं। अगर वो लिख के देंगे भी हम पेड़ अपने बागबानी लगवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट फ्री में बागबानी लगा करके 5 साल तक उनको प्रवस्थ करके पौधों को, बागवानी को, तो 5 साल के बाद पंचायतों को सौंप दे जाएंगे और वो उनकी मर्जी होगी कैसे उसको रख रखाव करें, कैसे उनकी इनकम करें। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य तो है भी 20% ज़मीन में जो है पेड़ पौधे लगाने का। बागवानी का ये है, ये पौधे जो है लंबे समय तक चलेंगे। जैसे हम कई बार पॉपुलर का पौधा लगा देते हैं तो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद उसको किसान काट देता है, तो अब पेड़ पौधे ये उसके फ्रूट के लगेंगे बागवानी के, तो बागवानी मेरे ख्याल में 50 साल तक वो पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 साल तक वो काम करेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन देते रहेंगे, फ्रूट देते रहेंगे, वातावरण शुद्ध करने काम करेंगे, वर्षा लाने में काम करेंगे, इस प्रकार का ये प्रोग्राम है। अभी तक ये जैसे आपने भी अखबार में पढ़ा, मैंने भी अखबार में पढ़ा, जब भी इसके बारे में गवर्नमेंट कोई निर्णय लेगी तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। अभी तक ये बयान है, अभी तक बयान तक सीमित है। जब ये फाइनल हो जाएगा तो फिर जब फाइनल हो जाएगा मैं सबसे पहले आपको मैं इसकी सूचना दूंगा। शिक्षा नीति नई अब सेंटर की तरफ से बनाई गई है, तो जब ये शिक्षा नीति बन रही थी, बिल आ रहा था पार्लियामेंट में, उस समय मैं भी एज ए MP मेरे वहाँ पर था, मैंने भी जब ये बिल आ रहा था मैं उस समय मौजूद था, तो मेरी मौजूदगी में ही ये नई शिक्षा नीति बनी है। तो ये शिक्षा नीति जो नई आई है, ये जो स्टेट है उन पर छोड़ दी गई है, जो उनकी मर्जी है उसको अपनाएं या नहीं अपनाएं, परंतु हरियाणा सरकार तो पहला राज्य होगा जो इसको अपनाने जा रहा है। इससे क्या होगा, इसके आने से जो हमारे बच्चों की शिक्षा है अच्छी होगी, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा आएगी,
अच्छा माहौल बनेगा। सभी टीचर उसमें सबसे बड़ा जरूरी है कि नई शिक्षा में क्या है, जितने ये पद खाली हो जाते हैं टीचर साहब टीचरों के, उनको कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा बिना टीचर के, कोई पद ऐसा नहीं रहेगा भी टीचर की यहाँ पर कमी है, सबसे जरूरी तो यह होगा। अच्छा, नाइन्थ से ही कोई सिलेबस भी कुछ इस तरह का? हाँ, कुछ नहीं, देखिएगा एक सिलेबस जो 50 साल से पढ़ाते हैं आज उसकी प्रसंगता नहीं है, तो आज जो आज का माहौल है, जो आज की परिस्थितियाँ, उसके हिसाब से जो नए सिलेबस को बनाया गया है, तो मैं मानता हूँ भी जो समय की जरूरत है, समय की मांग, उसके हिसाब से सिलेबस को टाइम टू टाइम चेंज कर देना चाहिए। यार अभी चेंज कर दिया तो उससे थोड़ा सा नया सिलेबस आएगा, बच्चों को नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा, बच्चे संस्कारवान बने उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी इसका जो नई शिक्षा इसका एक मुख्य उद्देश्य होगा। जो आप देख रहे हैं जो बच्चे हमारे अच्छे संस्कारी होने चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता में रंगे जा करके वो मतलब अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है जो आज जो जो ये ज्वाइंट परिवार होते थे पहले, कभी 35-35 के मेंबर होते, 40-40 मेंबर होते थे घर में, एक किचन से एक खाना बनता था, बनाते थे, वो आज शायद वो ख़त्म होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे जो आजकल आ रहे संस्कारी बच्चे नहीं है, ये पढ़ लिख करके नौकर लगने के बाद शादी हो जाती है और 6 महीने के बाद ही अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, ये संस्कारों की कमी है। तो इसलिए सरकार ने एक निर्णय लिया है भी अच्छे शिक्षा भी बढ़िया हो, संस्कार भी अच्छा हो, जब दोनों बच्चों का मेल होगा तो मैं मानता हूँ उससे अच्छी शिक्षा तो मिलेगी, अच्छे नागरिक बनेंगे वो, अच्छे नागरिक बनेंगे तो अच्छे नागरिक बनकर के राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका अपने निभा पाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.